बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है, आपको बता दें बुलंदशहर से ये खबर सामने आ रही है, के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है, के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आला अफसरों ने खबर का संज्ञान लिया है, बुलंदशहर से ये खबर सामने आ रही है। डीआईजी संतोष कुमार व एसएसपी ने खबर का संज्ञान लिया है। थाना प्रभारी सुशील चंद्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त बुलंदशहर से सामने आ रही है, के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। और इस पूरी घटना पर आला अफसरों ने खबर का संज्ञान लिया है, बुलंदशहर से यह खबर सामने आ रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, क्या जानकारी आ रही है, ये आला अधिकारियों ने घटना का संज्ञान लिया है, क्योंकि के न्यूज ने जिस खबर को प्रमुखता से दिखाया उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ये बिल्कुल सिलेंडर, मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदर बीवी नगर थाने का मामला है, जहां दिन दहाड़े 2 लाख की एक गैस संचालक जो है उनसे लूट हो जाती है, उसको लेकर जिस तरह से पुलिस महकमे हड़कंप मचाती है, उसको देखते हुए जिस तरह से खबर चलाई जाती है, उसके बाद जो एसएसपी है संतोष कुमार सिंह, उन्होंने जो बीवी नगर के थाना प्रभार से सही चंद्र शर्मा को तत्काल प्रभार से निलंबित कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अगर लगातार अपराध हो रहे थे उनके क्षेत्रों में, उनको रोकने में नाकाम हो रहे थे, उसको देखते हुए और जो दिन दहाड़े लूट होना एक बड़ी अपने आप में पुलिस पर सवाल निशान उठ रहे थे, उसको लेकर उन्होंने तत्काल प्रभार से निलंबित कर दिया है। और एसएसपी से जिस तरह से बातचीत की गई, तो एसएसपी का कहना है कि अगर जिस तरह जिस थाना क्षेत्र में सही लापरवाही की जाएगी, उस थाना प्रभारी के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जनपद बुलंदर में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त रखा जाएगा। बिल्कुल अनिल, और कहीं ना कहीं ये जिस तरह से खबर के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई है, बड़ी जो अब कहा जाए कि कार्रवाई पुलिस कर्मियों पर की गई है, लेकिन क्या ये जो घटना थी इस पर जो जो बदमाश थे वो पकड़े गए हैं क्या? अनिल जी, मैं आपको बता दूं, अभी तक जो अज्ञात बदमाश है अभी तक नहीं पकड़े हुए हैं, लेकिन एसएसपी ने आधा दर्जन टीमें उनके उसमें चारों तरफ लगा दी गई हैं और सीसी फुटेज को तलाश की जा रही है लगातार। जिस तरह से जो बम्बई की पुलिस पटरी पर जिस तरह से लूट की गई है, दिन दहाड़े लूट की गई है, तो चारों तरफ के कैमराओं की तलाशी की जा रही है, सीसी फुटेज तक खंगाली जा रही है। एसएसपी सहित तमाम जनपद बुलंदशहर के एसपी एसपी सिटी और एसपी देहात सीओ तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और तमाम छानबीन में लगे हुए हैं, और जो ब्रांच की टीमें स्वास्थ्य टीमें उनको भी लगा दिया है। एसएसपी का कहना है कि जल्द ही लूट का खुलासा कर लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो वहां के बीवी नगर के थाना प्रभारी हैं जो सतीश शर्मा, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, लूट की खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद अब आला अधिकारियों ने इस घटना का संज्ञान लिया है और थाना प्रभारी को लापरवाही के मामले में निलंबित कर दिया गया है।